वेलकम फ्रेंड्स, आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को जानेंगे। पिछले वीडियोस में आपने ट्रांसलेशन के बारे में और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, साथ ही साथ जेनेटिक कोड के बारे में भी अध्ययन किया है। तो आज यहाँ पर हम ट्रांसलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से इसी प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, हिंदी में अनुवादन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया संचालित होती है। तो सपोज दैट ये कोई एक एमआरएनए स्ट्रैंड है और इस पर इस तरह से कोडांस लगे हुए हैं, इस तरह से कोडांस लगे हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो कोडान है वो है ए यू जी, यहाँ पर है कोई और कोडान। आप जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है, वो हमेशा ए यू जी कोडान से स्टार्ट होती है। मैथियोनिन, जिसको हम बोलते हैं मैथियोनिन अमीनो एसिड से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर एक ये एम आर एन ए स्ट्रैंड है जो कि टेम्पलेट का काम करता है। तो यहाँ पर ये एक एम आर एन ए स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम से होती है। और आप जानते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। जैसे आपका जो एक्टीएस राइबोसोम है, सपोज देखिए ये एक एक्टीएस राइबोसोम है, तो ये 60S यूनिट हो गई और ये 40S यूनिट हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस क्या हुई, ये जो छोटी वाली सब यूनिट है ये आकर यहाँ पर नीचे के साइड अटैच हो जाएगी, राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट। और अब जो टीआरएनए है, टीआरएनए में आपने देखा था कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है टीआरएनए का। कब? क्योंकि ये जो टीआरएनए होता है उसके जो कुछ कोडांस हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। जैसे आपने डीएनए में देखा था कि डीएनए में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर इसी आरएनए में जब कंडीशन ऐसी आती है कि ये कोडान एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये पेयरिंग हो जाती है। इस तरह से जो ये आरएनए है वो इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेकर तब हम उसको टीआरएनए बोलते हैं। और इसी टीआरएनए पर यहाँ पर एंटी कोडांस लगे होते हैं। एंटी कोडान का मतलब ये जो एमआरएनए का कोडान होता है उसी के जस्ट विपरीत का कोडान, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम पूरक बोलते हैं। तो जैसे आप जानते हैं एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यूरेसिल होता है। यू का यानी कि यूरेसिल का एडेनिन होता है और गुआनिन का साइटोसिन होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा टीआरएनए होगा जिसके पास यूएसी एंटी कोडान होगा, ठीक। अब यही जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है ये कोई कोशिका है सपोज दैट, और ये टीआरएनए यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में इस तरह से तमाम प्रोटीन के सब यूनिट्स, जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर कोई टीआरएनए होगा, बहुत सारे टीआरएनए रहेंगे, तो सपोज दैट ये एक और टीआरएनए है क्योंकि इनको कई टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सपोज दैट ये एक टीआरएनए है जिसका जो एंटी कोडान है वो है यू ए सी।
तो यहां पर ये जो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट अटैच हुई है, अब इस पर एयूजी कोडान पर अटैच हो जाएगी, और साथ ही साथ अब यहां पर जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए साइटोप्लाज्म से एक अमीनो एसिड उठाएगा जो इस एयूजी कोड से मैच करता है। ये और अमीनो एसिड पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि एयूजी कोड किसका होता है, मेथियोनीन का, तो ये किसको उठाएगा, मेथियोनीन को उठाएगा, साइटोप्लाज्म से मेथियोनीन को उठाएगा, ये टीआरएनए इसको उठा लेगा, और ये टीआरएनए जो है इसको राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट, राइबोसोम की बड़ी यूनिट जिसमें तीन ये पार्ट होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं राइबोसोम की साइड पर, जिसको हम ई पी और ए साइड बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो टीआरएनए है ये मेथियोनीन को उठाकर लाया और यहां पर अटैच कर दिया, यहीं पर बना दिया, यहां पर अटैच कर दिया ई वाली साइड पे। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो ये अटैच हुआ है मेथियोनीन इसके बाद, सपोज दैट यहाँ का कोड जो है वो यूसीजी है, जो कि सेरीन का, सेरीन अमीनो एसिड को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर एक ये अमीनो एसिड अटैच हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये जो राइबोसोम है अटैच होने के बाद इधर आ जाएगा, आगे खिसक के आ जाएगा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ये जो अमीनो एसिड है ये तो है ही, इसके बाद जो नेक्स्ट अमीनो एसिड होगा वो फिर यहाँ पर बाइंड होगा और इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये राइबोसोम धीरे धीरे खिसकता रहेगा। तो यहाँ पर सपोज दैट फिर से एयूजी कोडान है, या कोई मान लेते हैं कोई भी कोडान मान लेते हैं, मान लीजिए यूसीसी है, यहाँ पर मान लीजिए एएए है, इस तरह से कोई भी कोडान है, तो हर एक कोडान के अकॉर्डिंग टीआरएनए जो है अपने इस एंटी कोडान की सहायता से जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़े हुए हैं इन्हीं कोडान को पढ़कर एक एक अमीनो एसिड ऐसे लाकर जोड़ता रहेगा, और जिसकी वजह से एक श्रृंखला बनती चली जाएगी और ये राइबोसोम धीरे धीरे आगे खिसकता रहेगा। इस प्रक्रिया को हम इलांगेशन बोलते हैं, इनिशिएशन, जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है उस प्रक्रिया को हम इनिशिएशन बोलते हैं, प्रारंभ बोलते हैं, इसके बाद जब ये श्रृंखला लंबी होती जाती है उस प्रक्रिया को हम इलांगेशन बोलते हैं, दीर्घीकरण बोलते हैं। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी, आपने पढ़ा है कि तीन कोडांस होते हैं UAA, UAG, UGA, ये जो तीन कोडांस होते हैं इनको आपने पढ़ा पिछले वीडियो में, ये तीनों स्टॉप कोडांस होते हैं, अर्थात इनमें से कोई भी एक कोडान जहां पर आ जाएगा वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सपोज दैट यहां पर इस कंडीशन में यहां पर कोडान आ गया यू ए ए, तो ये जो यू यू ए कोडान है ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर कोई नया अमीनो एसिड अटैच नहीं होगा, अब ये अमीनो एसिड अटैच नहीं होगा तो ये श्रृंखला जो है यहीं पर टूट जाएगी, और साथ ही साथ ये जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स हैं यहाँ तक तो पहुँची ही हैं, वो दोनों सब यूनिट्स फिर से अलग हो जाएंगी, और ये जो अमीनो एसिड हैं ये आपस में
पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। ये सब क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। इसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड का एक पॉलीमर है। तो इस तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है mRNA के AUG कोडान से स्टार्ट होती है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और तीन कोडान जिनको हम स्टॉप कोडान बोलते हैं, UAA, UAG और UGA, ये तीनों कोडान में से कोई एक कोडान जहां पर आ जाएगा वहीं पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। AUG को हम इनिशिएशन कोडान बोलते हैं क्योंकि इसी कोडान से ही हमेशा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है।